अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो खुश रहिए, आबाद रहिए और दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो बेबी ड्रेस डिज़ाइनिंग है, पार्ट 3 है। और जैसा कि प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने शेयर किया कि जितने भी इंशाल्लाह इसके कपड़े स्टिच होंगे गर्मियों के, जो इसको गिफ्ट मिलेंगे, इसको ईदियाँ मिलेंगी अभी, तो वो मैं सारे कपड़े आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सब डिज़ाइनिंग सिंपल है, कुछ सिंपल होंगे लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोगों को आइडियाज़ मिले ड्रेसेस के बारे में। क्योंकि मैं खुद भी जो है ना यूट्यूब से बहुत से आइडियाज़ लेती हूँ, तो मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ताकि बहुत से लोग जिस तरह मैं लेती हूँ इस तरह कुछ बाकी लोग भी होंगे, वो भी वीडियो से आइडियाज़ लेते होंगे, तो सबकी ताकि हेल्प हो, सब ईज़िली जो है ना आइडियाज़ ले सकें। तो बहुत सारे ड्रेसेस हैं इस वीडियो में, ज़्यादा जो है वो कुर्ता शलवार भी हैं, ट्राउज़र शर्ट्स मेन, क्योंकि फ्रॉक्स पिछली वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा फ्रॉक्स शेयर की थी, तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा आप लोगों के साथ कुर्ता शलवार शेयर करूँगी। और ये बच्चों के पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग एग्री करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। ये है पहला ड्रेस और ये मैंने खुद स्टिच किया है, और मैंने आई थिंक 2 to 3 years के बाद स्टिचिंग की है, और मैं बहुत हद तक भूल चुकी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे स्टिच करूँ, लेकिन फिर भी मैंने इसके जो है ना अपनी बेटी के 2 dresses स्टिच किए हैं इस दफ़ा, बस ऐसे ही अपनी मदर की बार बार बेइज्जती करने के बावजूद। तो फिर मैंने कहा मैं स्टिच कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे ये सिंपल फ्रॉक है प्रिंटेड, और ट्राउज़र शर्ट लिया है, और इसके साथ मैंने बस वाइट लेस पड़ी हुई थी वो ले ली, और वो इस पर मैंने लगा दिया। फुल स्लीव्स थे इसके, जो ट्राउज़र शर्ट्स वाली फ्रॉक्स हैं और कुर्ते हैं ना, उनके कोशिश क्या करें कि स्लीव्स फुल रखें, ताकि बच्चों को चले रात में कभी पहनाने पड़ जाए तो बंदा ड्रेस पहना देता है। तो इसके स्लीव्स फुल थे, और ये ट्राउज़र है, ट्राउज़र थोड़ा सा मुझसे ना खुला रह गया बहुत ज़्यादा, मैं इसको थोड़ा सा टाइट करूँगी पजामे की तरह बाद में। तो ये फर्स्ट ड्रेस है मैंने स्टिच किया था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ थोड़ा सा। और उसके बाद चलते हैं ड्रेस नंबर 2 की तरफ। ये वाइट ड्रेस है, ये भी मैंने खुद स्टिच किया हुआ है, और फर्स्ट ड्रेस और ये ड्रेस ये मैंने खुद स्टिच किए थे दोनों। और इस पे भी वो जिस तरह एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ लास्ट जो ड्रेस डिज़ाइनिंग की 2 वीडियो थी ना, उसमें आप लोगों के साथ ये शेयर किया था कि कढ़ाई वाला धागा होता है तो कढ़ाई करने के लिए मिलता है, तो ये मोटा मोटा होता है, आप इसको फिरकी में डाल लो और उल्टी साइड से आप मशीन वाली साइड से सिलाई करेंगे ना, तो सीधी साइड पे फिरकी से यूं लाइंस पड़ती जाएंगी, सीधी सीधी लाइंस। मेरी लाइंस इतनी सीधी नहीं है क्योंकि मैंने काफ़ी अर्से बाद स्टिचिंग की है, तो ये बस इसी तरह की मैंने ट्राई किया। साथ इसके ये जांघे है, इसकी भी मैंने नीचे यूं 2 lines उनकी है, और दरमियान में मैंने एक येलोइश सा किया है, और ये बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट ड्रेस की तरफ आते हैं, ये मेरी मदर ने स्टिच किया है, और ये प्लेन ड्रेस था, और देखें उन्होंने कितनी अच्छी ऊपर डिज़ाइनिंग की है। तो ये ऊपर गले पे देखें थोड़ी सी पट्टी लगाई है और एक बोसी बना के लगा दी, और बाजुओं पे भी इसी तरह उस ब्लैक पट्टी लग गई, और पीछे यूँ फुल पीछे ले जाके ना फ्रंट से बैक तक, और यहाँ पे बस डोरी लग गई एक, और फुल जो है शर्ट प्लेन है, और नीचे भी यूँ पट्टी लगा दी ब्लैक कलर की, उसी कलर की, इस कलर की शलवार है तो उसकी पट्टी जो है ना शर्ट पर लगा दी है, और जो शलवार होगी उसके ऊपर थोड़ी सी शर्ट की डिज़ाइनिंग कर दी है। तो इसी तरह प्लेट, पहले वो पट्टी लगाई ग्रीन, फिर प्लेट्स डाली, फिर ऊपर पट्टी लगाई, और फिर ये 2 जो है ये रिबन से बो से बना के लगा दी, और ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो भी ड्रेसेस हैं जैसे भी हैं तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि ये पहने हुए भी कैसे लग रहे हैं, मेरी बेटी पे जितने भी ड्रेसेस वो पहन चुकी होगी तो वो सारे मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह, जो जो मेरे पास पिक्स होंगी। उसके बाद ये है ड्रेस नंबर 3, ये सिंपल कुर्ता था, इसके दादू ने स्टिच किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी माशाल्लाह उसको पहना हुआ बहुत अच्छा लगा। ये देखें प्लेन कुर्ता था, बस नीचे एक ऑफ वाइट से कलर की लैस लग गई, और ये ट्राउज़र है सिंपल, उसके नीचे बॉर्डर सा वो लग गया, ये यूँ लगता है जैसे अलग से पैच लगाया है, लेकिन ये शर्ट में ही प्रिंट आ रहा था तो वो बस ट्राउज़र के अंदर आ गया, और शर्ट देखे प्लेन है, बस कुर्ते की तरह स्टिच हुई है इसके बाजू और सारा, और आगे पट्टी है, पट्टी पे बटन्स लगे हुए हैं,
और ये पहना हुआ माशाल्लाह उसको इतना अच्छा लगता है, इतना प्यारा लगता है ना। मुझे जो है ना ये कुर्ते पहने हुए अपनी बेटी को बहुत अच्छे लगे, तो काफ़ी सारे मैंने फिर एक तो बाद में ख़ुद भी स्टिच करवाए। उसके बाद नेक्स्ट ड्रेस की तरफ आते हैं, ये रेड कलर का सिंधी हिस्सा प्रिंट में था, तो ये मेरी मदर ने उसको स्टिच करके दिया। इसके भी इसी तरह इसके बाजू मैंने थोड़े से उन्होंने छोटे रखे और यूँ पट्टी थी तो ये उन्होंने टिच बटन अंदर की तरफ लगा दिए पट्टी के, और उसके साथ से मतलब ये सेम प्रिंट का सूट था और बस ट्राउज़र है। ये शर्ट इतनी वो लंबी नहीं है, बस छोटी छोटी आती है उसको, और उसके साथ जो है ना ये शर्ट है। तो ये भी माशाल्लाह ये कलर तो माशाल्लाह पहना हुआ बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों को ना फ्रेश कलर्स पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं, खिलते खिलते रंग। इसके बाद नेक्स्ट ड्रेस की तरफ आते हैं, ये ड्रेस भी उसके दादा ने स्टिच किया था। और ये जितने भी ड्रेसेस हैं ना मोस्टली जो है वो पीसीज के बने हुए हैं घर में जो पड़े होते हैं, तो ये उस पर बैन लगाया है ये उसकी शर्ट पे, और पट्टी देखें डिज़ाइनिंग वाली कर दी है बॉर्डर की उतार के ऊपर पट्टी, और देखें डिज़ाइनिंग जो बॉर्डर वाली पट्टी लगाई है वो कितनी प्यारी लग रही है उससे, मतलब एक लुक चेंज हो गई है उसकी बिल्कुल। और इसी तरह इसके जो बाजू हैं उन पे जो है ना वो पाइपिंग कर दी है। बाकी कुर्ता देख लें, बाकी सिंपल है, कुछ भी नहीं लगाया। और जिसका ट्राउज़र है पीछे से दूसरी तरह का कर दिया और फ्रंट से, ये फर्स्ट टाइम था जब इसने कुर्ता पहना था और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी वो, बहुत बहुत एलिगेंट लुक आती है बच्चों की। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ, ये ड्रेस मेरी मदर ने स्टिच किया था, प्लेन ड्रेस था, ब्लैक कलर का प्लेन कपड़ा पड़ा हुआ था, तो उन्होंने प्रिंटेड साथ कंट्रास्ट करके वाइट और उसका कपड़ा लेके तो फ्रिल लगा दी है, सारी फ्रिल लगी हुई है शर्ट के ऊपर, बाजू पे भी, गले पे भी, और पूरी फ्रॉक पे फ्रिल्स लगी हुई है। और इसके साथ जिसकी फ्रिल है उसी का जो है ना वो ट्राउज़र बना दिया है, और इसी तरह बैक पे भी फ्रिल जा रही है। तो सेम ट्राउज़र था आप देख रहे हैं जिसकी फ्रिल लगी हुई है, और इसी तरह ट्राउज़र पे भी फ्रिल लगा दिया है। ये थी जो हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और नेक्स्ट वीडियो की सजेशंस दे दें कि नेक्स्ट कैसी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट किसी व्लॉग में, और किसी भी DIY में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।